कठुआ गैंगरेप और हत्या के मामले में एक पीआईएल फाइल करके सीबीआई जांच की मांग की गई है। फाइल करने वाली एडवोकेट है अनुजा कपूर, हम उनसे बात करते हैं। अनुजा जी, आपको क्यों लगता है कि सीबीआई की मांग के लिए आपने पीआईएल फाइल की? क्योंकि मैं फेयर जस्टिस लेना चाहती हूँ, रूल ऑफ लॉ को फॉलो देखना चाहती हूँ। आर्टिकल 21 नेचुरल जस्टिस को लेकर आता है, उसका मतलब सिर्फ यही नहीं, वो एक फंडामेंटल राइट है। आप ये देखिए कि क्या वो ही पुलिस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो पूरी लिप्त है, जिसने 4 लाख रुपया लिया है, आप उसी को बोलेंगे कि वो जाकर इन्वेस्टिगेट करे? ये बात पॉसिबिलिटी नहीं है। इसके लिए सीबीआई, हमारे पास और कौन सी एजेंसी है? बिल्कुल सीबीआई की एजेंसी इंडिपेंडेंट एजेंसी है, बिल्कुल बिल्कुल उसमें आना चाहिए। मैं अक्यूज के साथ नहीं हूँ, मैं उस बच्ची के साथ हूँ। बच्ची को और ये पुलिस वाले किसको बचा रहे हैं? आई वॉन्ट टू नो द होल ट्रूथ। एक सवाल ये भी उठता है कि कोर्ट को आपको कोर्ट से क्या उम्मीद लग रही है, क्योंकि उस दौरान काफी हंगामा भी हो रहा था, तो कोर्ट ने आपको समय दिया था सुनने के लिए, उससे आपको क्या लगता है? देखिए, कोर्ट ने समय इसलिए दिया था क्योंकि जो मेरी लर्नेड काउंसिल इंदिरा जयसिंह थी, वो बहुत जोर जोर से आवाज कर रही थी। देखिए, कोर्ट को इंटिमिडेट करने का हक किसी को नहीं है, हम सबको उतना ही हक है। इसी वजह से ये कोर्ट सुनना चाहती थी कि मेरी पीआईएल जो है, जो सर जानते हैं, ऑनरेबल कोर्ट जानती थी कि मैं सीबीआई के लिए सही के लिए। आप देखिए, कौन नहीं मांग रहा सीबीआई? जम्मू कश्मीर का एसोसिएशन है, वो नहीं मांग रहा, वो मांग रहा है आप और मैं, हम लोग कितने लोग सड़कों पे हैं सीबीआई में। और आपको एक बात बताऊं, मैंने विक्टिम का फादर नहीं देखा। वो कहते हैं बाबा विक्टिम का फादर है, मैंने, कौन सा बाप है जिसकी बेटी के साथ बलात्कार करा पुलिस वाला, और उसी पुलिस वाले को वो दे दे इन्वेस्टिगेशन के लिए? मैं ये नहीं देख सकती, मैं नहीं देखूंगी, और इसीलिए मैंने अपनी पीआईएल फाइल करी थी। सारे अक्यूज्ड को मैंने इसमें रिस्पोंडेंट बनाया, जयसिंह इंदिरा जयसिंह जी ने उसके अंदर उसको रिस्पोंडेंट भी नहीं बनाया। सो मेरी इसमें रिस्पोंडेंट बनाते हुए मैं सीबीआई की मांग करती हूँ कि लेट ऑल द कल्प्रिट्स, ऑल द परपेट्रेटर्स कम ऑन द फ्लोर, लेट द दे ऑल शुड हैव जस्टिस, क्योंकि एक लिप्त हुई इन्वेस्टिगेटिंग टीम जो उसका हिस्सा है, जो उसकी पार्टी है, वो फेयर ट्रायल नहीं हो सकती। इसलिए सीबीआई की डिमांड, और मुझे पूरा यकीन है इस कोर्ट में, इस कोर्ट ने बहुत बड़े बड़े फैसले दिए हैं, आज कथुआ के लिए भी बहुत बड़ा फैसला आएगा, और सीबीआई की मांग यहीं से निकलेगी, क्योंकि ये अगर लोगों के हित में है तो लोगों का हित यही कहता है सीबीआई प्रो। बहुत बहुत धन्यवाद अनुजा जी। जैसा अनुजा जी का कहना था कि इस मामले में सीबीआई की जांच होगी, तभी सत्यता सामने आ सकती है। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पीआईएल पे क्या रुख अपनाता है। कैमरामैन सिद्धार्थ के साथ विवेक सिंह चंदेल, एपीएन दिल्ली।